Hello friends, how are you? I am your host. Welcome back to my channel. Hello guys, कैसे हो? जी हाँ, मैं आज आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो बजट फ्रेंडली फोन्स के लिए है। जिनका बजट 10,000 से कम है, 10,000 से कम है, उनके लिए ये वीडियो है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि आप 10,000 के नीचे के जो फ़ोन हैं वो उसके बारे में बताइए। तो आज का वीडियो टॉप 5 मोबाइल फोन्स अंडर 10,000। मेरा 5 नंबर का 5th रैंक का जो मोबाइल फ़ोन है वो है इन्फिनिक्स। ये जो नया ब्रांड है उसकी तरफ से ये इन्फिनिक्स हॉट 9 ये फ़ोन है, जो 64GB इंटरनल स्टोरेज 4GB रैम के साथ आता है। जैसे आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, जिसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल डिस्प्ले, LED फ्लैश प्लस 4GB DDR4 रैम, डेडिकेटेड स्लॉट, 5000 mAh की बैटरी, 920 सर्विस सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया, ऐसे सभी फीचर्स इसके साथ आते हैं। इसकी खासियत जो है वो है 6.6 HD प्लस पंच होल डिस्प्ले इसके साथ आता है और क्वाड कैमरा है। तो इस प्राइस रेंज में ये दो फीचर्स इस फोन के साथ आते हैं जो शायद किसी अलग फोन में नहीं है। तो मेरा 4th रैंक का जो फोन है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M01, जो 3GB रैम के साथ आता है, 32GB इंटरनल स्टोरेज। सैमसंग बहुत ही बड़ा ब्रांड है, उसकी प्राइस जो है वो है 8,998। तो ये बहुत ही कम प्राइस रेंज में ये सैमसंग की तरफ से बहुत ही अच्छा फ़ोन है, जिसकी डिज़ाइन आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है और 3 कलर में आता है, ब्लैक, ब्लू और रेड। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा है और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा सैमसंग का इसमें आता है। उसके साथ 5.7 इंच डिस्प्ले है, इन्फिनिटी डिस्प्ले। उसके साथ एंड्रॉयड वर्जन 10 आता है, 4000 mAh की बैटरी है। तो ये सैमसंग की तरफ से बहुत ही अच्छा फ़ोन है, जो मेरे हिसाब से 4th रैंक पे है अभी। तो मेरा 3rd रैंक का जो फ़ोन है वो है मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला G8 पावर लाइट, जो आप देख पाएंगे 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 4GB रैम के साथ आता है, 9,499 इसकी प्राइस है। जैसे आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन मोटोरोला ने दिया है। मोटोरोला का शायद ये पहला फ़ोन है जो इतने कम बजट में आता है और इतने अच्छे फीचर के साथ। तो ये बहुत ही बेस्ट बजट फोन है फ्रॉम मोटोरोला। जैसे आप देख पाएंगे 5000 mAh की बैटरी, 60 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, उसके साथ वाटर रिपेलेंट डिज़ाइन है, 6.5 इंच HD प्लस डिस्प्ले है, उसके साथ 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज है। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है मोटोरोला की तरफ से और इसमें 2 कलर्स आते हैं, ब्लू और रॉयल ब्लू। तो मेरा 2nd रैंक का फ़ोन है जो बहुत ही अच्छा है, वो है MI Redmi 8। Redmi 8 जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, उसके साथ 18 वैट का फास्ट चार्जिंग है, टाइप सी मिरर डिज़ाइन है, 6.22 इंच डिस्प्ले है, डॉट नॉच डिस्प्ले इसके साथ आता है, उसके साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है, कैमरा ठीक है, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा इसके साथ रहता है और ये बहुत सारे फिंगरप्रिंट वगैरह फीचर के साथ आता है। आप जैसे देख पाएंगे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन ये रेडमी ने निकाला है। तो ये शाओमी की तरफ से बहुत ही अच्छा मेरा 2nd रैंक का फ़ोन है, जो है रेडमी 8। तो मेरा 1st रैंक का और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट फ़ोन है रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 10A। जैसे आप देख पाएंगे रियलमी नार्जो 10A 64GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम के साथ 9,999 प्राइस रेंज में ये आता है और इसका डिज़ाइन आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। रिवर्स चार्जिंग दिया है इसमें, उसके साथ 3 कार्ड स्लॉट है जो एक्सपांडेबल है 256GB तक, 6.5
5 इंच का HD प्लस मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें दिया है, उसके साथ एंड्रॉइड 10 वर्जन आता है रियलमी UI के साथ, हेलियो G70 प्रोसेसर है, ये गेमिंग के लिए भी ये मोबाइल चल सकता है, जिन लोगों को गेम में इंटरेस्ट है तो उन लोगों के लिए ये फोन चल सकता है। उसके साथ ये ट्रिपल कैमरा है और 5000 mAh की बैटरी के साथ ये आता है। तो ये मेरा फर्स्ट रैंक का फोन है जो बहुत ही अच्छा है रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 10 है जो बेस्ट सेलिंग फोन है इस प्राइस रेंज में। तो अभी आप देखेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो चलो आइए देखते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही है, मैंने यहाँ पे कंपेयर करके आपको ये चार मोबाइल फोन्स दिखाए हैं, इन्फिनिक्स हॉट 9, मोटोरोला G8 पावर लाइट, रेडमी 8 और रियलमी नार्जो 10 है। मैंने इसमें सैमसंग गैलेक्सी M01 नहीं लिया है क्योंकि इसका कंपैरिजन नहीं होता है, इसका जो फीचर्स है अलग है इन चारों फोन से। तो मेरा क्राइटेरिया कंपैरिजन का यही है कि मिनिमम 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज और मिनिमम 6 इंच का डिस्प्ले होना चाहिए और 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए। तो ये चारों फोन में ये सभी फीचर्स है, सिर्फ बात ये है कि ये अलग ब्रांड से आते हैं, आपको कम प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छे फीचर्स और पंच होल डिस्प्ले चाहिए तो आप इन्फिनिक्स ये नया ब्रांड ले सकते हैं, उसके साथ क्वाड कैमरा आता है। बाकी तीन जो फोन है मोटोरोला G8 पावर लाइट, रेडमी 8 और रियलमी नार्जो 10 है, ये सभी फोन्स लगभग 10,000 की रेंज में सभी फोन्स है और ये तीनों भी फोन्स आप प्रेफर कर सकते हो। मगर मेरा ओपिनियन ये है, आप जैसे देख पाएंगे यहाँ पे 6.00 से ऊपर सभी HD प्लस डिस्प्ले है, सभी का 5000 mAh बैटरी है, तो आप आपके पसंदीदा ब्रांड के साथ जा सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप रियलमी नार्जो 10A के साथ जाओ जो रियलमी की तरफ से बहुत ही अच्छा और बेस्ट सेलिंग बजट फ्रेंडली फोन है। वैसे आप मोटोरोला और रेडमी की तरफ से भी जा सकते हो जो बहुत ही अच्छे ब्रांड है। तो ये था मेरा ओपिनियन, आप भी आपका ओपिनियन बताइए, लाइक कमेंट और फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।